अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मसालेदार मैगी। मसालेदार मैगी बनाने के लिए सबसे पहले हम रखेंगे एक बर्तन, उसमें डालेंगे तीन चम्मच तेल। डालने के बाद तेल अच्छे से गर्म होने तक हम एक बारीक कटी हुई एक प्याज और बारीक कटी हुई एक शिमला मिर्च डालकर हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे अच्छे से फ्राई करके बहुत ही मज़ेदार बनी थी हमारी मैगी। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच मिर्ची पाउडर और एक छोटा टमाटर जो मैं बड़े पीसों में कट कर ली हूँ, और एक चम्मच नमक डालेंगे। नमक हम कम ही डालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मैगी में भी नमक होता है, इसलिए नमक कम डालेंगे हम। बहुत अच्छी बनी थी हमारी मैगी, आप भी ऐसे ही ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अब इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। अब पानी में उबाल आए तक हम इसे ढककर रखेंगे। अब हम पानी में उबाल आ चुका है, हमारे मैगी को हम डाल देंगे। मैगी को डालकर अब इसमें हम डालेंगे हमारा मैगी मसाला जो मैगी के साथ आता है, वो 2 पैकेट कट करके इसमें डाल देंगे हम। देखिए इस तरह डाल देंगे। ऐसे डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने को मैगी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक कर 2 मिनट तक पका लेंगे। आप भी ऐसे ही बनाइए फ्रेंड्स। आपकी मैगी कैसे बनी मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइए फ्रेंड्स। बहुत ही मज़ेदार बनी थी हमारी मैगी। देखिए फ्रेंड्स, ढक के हम इसे 2 मिनट तक पका लेंगे। अब हमारी मैगी बनके तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।